तो गाइस फाइनली इतने सालों बाद गरीना का ऑफिशियल टूर्नामेंट हमारे गेम के अंदर आ चुका है, जिसमें काफी बढ़िया प्राइस पूल भी है। और इसमें आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे इसमें खेलना है, कितने मैचेस होंगे, कौन सी डेट्स को होंगे, कौन से टाइम पे होंगे और आपको स्लॉट मिलेगा या नहीं, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो। आप में से जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फ्री फायर बैन होने से पहले भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहते थे, बट इस बार रूल्स में कुछ चेंजेस हैं और वो सब आपको इसी वीडियो में पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, सीएस या बीआर के मैचेस खेलने से टूर्नामेंट पॉइंट कैलकुलेट नहीं होंगे, बल्कि फ्री फायर कप यानी एफएफसी नाम से अलग से मोड आएगा, जिसमें आप लोग मैच खेलोगे और 19 तारीख यानी कल से रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन चलेगा 24 अक्टूबर तक। इस दौरान आप लोग अपनी स्क्वाड बना के यहाँ रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ अपनी टीम का नाम डालना है, साथ में अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक या डिस्कॉर्ड, जिससे कि जीतने के बाद गरीना वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। बाकी अवतार बैनर डाल के कन्फर्म कर देना और मैक्सिमम आप लोग 6 प्लेयर यहाँ लेके जा सकते हो, बट एक मैच के अंदर आप लोग 4 प्लेयर ही जा सकते हो, बाकी के 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे, मतलब कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर को खिला सकते हो। हाँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर आपकी टीम में 16 साल से कम एज का प्लेयर है तो आपकी टीम इन फ्यूचर कोई ऑफलाइन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब समझे दया, गरीना वाले ऑफलाइन टूर्नामेंट भी करवाने वाले हैं, बट कब करवाएंगे वो भगवान जाने। बाकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैच डेज होंगे। इस दौरान आपको 40 मैच खेलने का मौका मिलेगा एफएफसी मोड में और इन मैचेस को आप लोग सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक एनी टाइम खेल सकते हो अपने रजिस्टर्ड बंदों के साथ, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि कोई बंदा गेम में घुसने के बाद बैक हो जाता है या ऑफलाइन भाग जाता है तो आपके 3 पॉइंट माइनस किए जाएंगे। बाकी आपके 40 में से जो 20 सबसे बेस्ट मैच होंगे उनके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे और ये पॉइंट्स किस हिसाब से मिलेंगे वो ही बता देता हूँ। तो भाई लोग, आपको भुया करने के मिलेंगे 12 पॉइंट्स और इसी तरह सेकंड पोजीशन पे आने से मिलेंगे 11 पॉइंट्स और थर्ड पोजीशन पे आने में मिलेंगे 10 पॉइंट्स एंड सो ऑन। बाकी आपको किल्स के भी पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि हर एक किल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो यार, दबा के किल्स करना और भुया लेने की कोशिश करना, तभी आप लोग विनर बन पाओगे। बाकी यहाँ गन एट्रीब्यूट ऑफ रहेगा, तो कोई ऐसा मत बोलना स्किन्स का गेम है, स्किल्स का नहीं है, यहाँ ओनली आपकी स्किल, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी ही मैटर करेंगी। बाकी 30 तारीख तक आपको मैचेस कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर को इंस्पेक्शन होगा, मतलब आप सबके जो भी गेम्स खेले गए हैं उनमें कोई चीट या हैक तो यूज नहीं हुआ या फिर कोई अनफेयर प्लेयर किसी टीम में पाया गया तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर 1 नवंबर के दिन रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, जिसमें आपको बहुत ही तगड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चलो वो रिवॉर्ड्स भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो टीम फर्स्ट आएगी उसे मिलेगा गोल्ड मेडल, साथ में 50,000 डायमंड और ये वाला इमोट और ये अवतार के साथ ये ग्लोवल का स्किन। जो 50,000 डायमंड है वो 6 प्लेयर को बराबर बांटे जाएंगे, मतलब उन 50,000 डायमंड को गरीना वाले खुद से 6 प्लेयर्स में डिवाइड करके उनके मेल बॉक्स में दे देंगे और एक गोल्ड मेडल शायद आपको रियल भी मिल सकता है। बाकी सेकंड टीम को मिलेगा सिल्वर मेडल, साथ में 30,000 डायमंड और इमोट, अवतार और ग्लू वॉल मिलेगा। और थर्ड आने वाली टीम को ब्रॉन्ज मेडल के साथ 10,000 डायमंड, इमोट, अवतार और ग्लू वॉल मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी फोर्थ से लेकर टॉप 100 टीम को डायमंड तो नहीं मिलेंगे, बट ये वाली इमोट परमानेंट मिलेगी, साथ में अवतार, ग्लू वॉल और ये बैकपैक का स्किन मिलेगा। एंड इसके बाद जो टॉप 10% में टीम आएंगी, यानी अगर 1 करोड़ टीम्स रजिस्टर करती हैं तो उनमें से टॉप 10 लाख जो टीम्स होंगी उनको इमोट 90 डेज के लिए मिलेगा, साथ में अवतार, बैकपैक और 5 गोल्ड रॉयल वाउचर्स मिलेंगे। बाकी टॉप 30% वाली टीम्स को ये अवतार, बैकपैक और गोल्ड रॉयल के वाउचर्स मिलेंगे, बट अगर आपकी टीम टॉप 30% में भी नहीं आती तो भी आपको पार्टिसिपेशन के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसमें एक गोल्ड रॉयल वाउचर और अवतार मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूँ इस टूर्नामेंट में कोई कैश प्राइज नहीं है, बट हो सकता है इन फ्यूचर ऑफलाइन टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें आपको पता ही होगा करोड़ों में कैश प्राइज रहता है। फिलहाल आप लोग ये टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है अपनी अंडरडॉग टीम्स को आगे लाने का और अपना नाम रोशन करने का। जिन टीम्स को कहीं स्लॉट्स तक नहीं मिलते वो यहाँ अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी काफी सालों बाद आई है, तो भाई इसका फायदा उठाओ। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टूर्नामेंट से रिलेटेड, आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, नहीं तो वीडियो बना के बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले सब लोग सब्सक्राइब जरूर से करना।